हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है अल्कोहल। तो अल्कोहल किसे कहते हैं और अल्कोहल का वर्गीकरण आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। और इसी में हम जानेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। तो उस तरीके से हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं आपसे केवल दो ही बात कहूँगा कि यदि आप रट कर नहीं और समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं रेगुलर आपके लिए सुबह में वीडियो ला रहा हूँ केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। और इतना भी ज़्यादा समय नहीं है कि आप दोबारा से चाहें तो मतलब तैयारी आप कर लेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है, 4 महीने हैं, तो रेगुलर बनकर आप पढ़ाई कीजिए। चलिए, अगला आता है अल्कोहल। सबसे पहली बात आता है अल्कोहल किसे कहते हैं। तो ध्यान से आप समझेंगे कि एक होता है एल्काइल समूह, एक क्या होता है एल्काइल या एल्किल हम समूह कहते हैं। तो जब एल्किल समूह के साथ कोई भी हाइड्रोक्सी समूह मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है, एल्काइल समूह मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है, तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। बात आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अल्कोहल बनाने का सिंपल सा नियम है कि जो एल्किल समूह है या एल्काइल समूह है उसके साथ हाइड्रोक्सी समूह यदि जुड़ा है तो उसको हम अल्कोहल कहेंगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से बताएंगे। देखिए, यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब एल्काइल समूह, क्या हमने लिखा है जी, हमने लिखा है कि जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह, जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो अल्कोहल, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। मतलब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा तो उसे अल्कोहल कहेंगे। एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम एग्जांपल से ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एल्काइल समूह का मतलब होता है, ठीक है ना, एल्काइल समूह का मतलब है ये R से, एल्काइल समूह को R से हम डिनोट करते हैं। तो R हो गया, और इसके साथ OH हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह जुड़ा हो तो वही क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, ये जो आपका है ये अल्कोहल हो गया। ये क्या है, अल्कोहल है। तो ये इसका अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, जिसमें R क्या है, R है एल्काइल समूह और OH क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है। इतनी बात समझ के, अब जो एल्काइल समूह है तो R का मतलब क्या है, एल्काइल समूह का मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एल्काइल, ठीक है, एल्काइल कहें या एल्किल समूह भी कह सकते हैं। तो एल्किल समूह का मतलब सिंपल सा यही है कि जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, C4H9 हो गया, तो ये सभी क्या है, एल्काइल समूह ही है, ठीक है ना। तो एल्काइल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा, इन सभी के साथ यदि OH जुड़ा है तो वो सभी क्या होंगे, वो सभी अल्कोहल ही कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको अल्कोहल के 4 हमने एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, अल्कोहल ही हैं। बात समझ के ना, तो एल्काइल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। बात समझ के, अल्कोहल का परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए ले लीजिए। ठीक ठीक है जी, ले लिए होंगे वीडियो, चलिए ठीक ही बन रहा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं आगे कि अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो देखिए, अल्कोहलों का वर्गीकरण है तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के अल्कोहल, 3 प्रकार के होते हैं।
देखिए, एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एल्कोहलों का वर्गीकरण हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हम कर रहे हैं, आप OH हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, OH की प्रकृति के आधार पर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, तीन लगभग चार हैं आपके, बट हम एक पर आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है ज़्यादातर, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल, इसलिए हम इस पर करा दे रहे हैं। तो इसका वर्गीकरण यदि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हम करते हैं या संख्या के आधार पर, तो समझिए सबसे पहला आता है इसमें प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा लिख दिया है कि एक एल्कोहल, मतलब ऐसा एल्कोहल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से हो गया है, चलिए क्या लिख लेंगे, ऐसा, बात समझ गए ना। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब आपने क्या समझा, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी जो समूह है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या होगा, उस एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जैसे कि ये क्या है, CH3 क्या है, ये एक एल्काइल समूह है, ठीक है ना, कहाँ पे गया, मतलब ये क्या है, एक एल्काइल समूह है। तो एल्काइल समूह में यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे एल्काइल समूह के साथ OH जुड़ गया, तो हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये हाइड्रोक्सी है ना, तो हाइड्रोक्सी समूह किस कार्बन से जुड़ा है, तो प्राथमिक कार्बन से ही तो जुड़ा है, ये प्राथमिक कार्बन है, तो 1 डिग्री जो है ना, इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, मतलब ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है OH समूह, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक। दूसरा, जैसे कि आपको कह देगा CH3 CH2 OH, यहां पे अगर आपसे कहूं तो देखिए यहां पर ये जो है ये भी प्राथमिक एल्कोहल ही है, तो आप कहेंगे सर कैसे, यहां पे तो ये हाइड्रोक्सी समूह प्रथम कार्बन से जुड़ा था तो प्राथमिक एल्कोहल हो गया। यहां पे देखिए ये भी हाइड्रोक्सी समूह है, ये किस कार्बन से, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, एक ही ना कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा, यदि वो एक कार्बन से जुड़ा होगा, वो किसी एक कार्बन को जोड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्राथमिक एल्कोहल ही कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोक्सी समूह एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन को जुड़ा है, तो इसके लिए प्राथमिक एल्कोहल। परंतु यदि यहीं पर एक और यहाँ पर CH2 हो जाता, ठीक है ना, तो अब ये वाला जो हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं कहलाता, द्वितीय एल्कोहल कहलाता, ठीक है। तो हम प्राथमिक एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया, इसका नाम क्या है, दो कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आता है हमारा द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जो होगा, हाइड्रोक्सी समूह होगा वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है, ऐसा एल्कोहल। तो ये बात आप समझ गए हैं कि इसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होगा द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जैसे कि CH3 CH CH3 OH, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया जी। अब मैं आपसे कहूँ तो ध्यान से अगर आप देखें तो हाइड्रोक्सी समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो
ये जो कार्बन हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एक कार्बन और दो कार्बन, दो ही कार्बन से जुड़ा है ना, मतलब द्वितीय कार्बन परमाणु है। तो द्वितीय कार्बन परमाणु है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसको कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। और कितनी संख्या है, मेथ एथ प्रोप, तो इसे हम प्रोपिल एल्कोहल एल्कोहल कहते हैं, इसका नाम प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। याद रखेंगे एक और बात कि मैंने नाम लिखवाना अभी तक सिखाया नहीं है कि नाम हम किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक। दूसरा अगर एग्जांपल दें, CH3 CH2 CH और CH2OH, ठीक है ना, 1 2 3 4 3 2 5 6 7 1 8, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9, अब ये सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और हमने एग्जांपल लिख दिया है जी, ठीक है। अब बात को यहाँ पे समझने वाली सिंपल सी बात यही है कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी जो समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि दो कार्बन से, और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर तीन कार्बन से। जैसे कहेंगे कि देखिए एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो तीन कार्बन से जुड़ा है। बट ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा थोड़ी ना है। ये वाला कार्बन तो एक ही कार्बन, दो ही कार्बन से जुड़ा है ना, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, ठीक है। ये वाला कार्बन दो ही कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला जो कार्बन है तो वो इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी थोड़ी ना बात हो रही है। हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन दो ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, 2° एल्कोहल, ठीक है ना। तो इसका नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको IPSC में ब्यूटेनॉल भी कहते हैं, ब्यूटेनॉल। तो IPSC में ब्यूटेनॉल भी हम कह सकते हैं या ब्यूटेन, ठीक है ना, तो इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आइसो लगा देंगे, फर्स्ट से जुड़ा है तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है ना, आइसो प्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे तो और बेटर रहेगा। तो अभी तक हमने नाम लिखवाना नहीं सिखाया है, वो भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। पहली बात इतनी बात समझ के आ गया कि हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीय एल्कोहल होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो ही कार्बन से जुड़ा है, द्वितीय एल्कोहल होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, ठीक, ले लीजिए जी, जल्दी चलिए। अब आते हैं हम अपने तृतीय एल्कोहल पे। तृतीय एल्कोहल किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात वही हो गया कि ऐसा एल्कोहल जो ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय एल्कोहल कहेंगे। एग्जांपल सिंपल सी बात यही है, CH3 CH CH3 CH3 OH, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देख सकते हैं इसमें कार्बन जो परमाणु है, ठीक है ना, वो कितने से जुड़ा है, वो तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा है, 1 2 3, तो 3 3 6 3 3 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 4 पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा एक कार्बन, सॉरी यहाँ पे CH ही होगा केवल, ठीक है, सॉरी C ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 3 9, 4 के साथ 3 9 ही कार्बन जुड़ते हैं, जैसे कि आपको पता है CH3 एक कार्बन के साथ, दो कार्बन के साथ कितना C2H5, फिर से तीन कार्बन के साथ C2H7 और चार कार्बन के साथ C3H9, यही ना जुड़ते हैं जी एल्काइल समूह में। तो आप देख सकते हैं कि चार कार्बन है तो चार के साथ 9 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये बात है। तो इसलिए अब आप बात को समझिएगा, ये जो हाइड्रोक्सी समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 2 3, तीन ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी हमारा तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। इसे हम कह सकते हैं 3° ब्यूटाइल एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है ना, 3° ब्यूटाइल एल्कोहल,
बात आप समझ गए होंगे। तो नाम पे अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नाम अभी हमने कराया नहीं है, प्रैक्टिस हम कराएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है ना, और याद भी आपको भी होने लगेगा। तो ये बात है, थोड़ा सा नाम याद कर लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो तृतीय एल्कोहल जिसमें जो कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़े होंगे, द्वितीय एल्कोहल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल में हमने बता ही दिया है कि जो हाइड्रोक्सी समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल। इसमें हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, एक ही कार्बन वही कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए इसको भी हम प्राथमिक एल्कोहल के ही अंदर रखते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से स्टडी कर सकती हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के केमिस्ट्री का सभी का तो लिंक है ही, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। वहाँ पर फ्री में आपको इंपॉर्टेंट सूचनाएँ होंगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, वो सब वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।